हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज यूर पी क्रिएटिव और हाँ मुझे अच्छा लग रहा है की तुम्हें तो मेरी वीडियोस काफी पसंद आ रही हैं और तुम तो में से काफी लोगों को उनसे कुछ सीखने को भी मिल रहा है हालांकि वो ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है वो बात अलग है और हाँ सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी डिले हो चुकी है वो इसलिए क्यूँकी मैं बाकी की चीजों में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया था बट डोंट वरी अगली बार से वो नहीं होगा झूठ बोल रहा है इसको कोई और बहाना नहीं मिला सो हमने अब तक सुकूना ड्रॉ कर लिया नंबर एट से काफा को भी हम ड्रॉ कर चुके हैं तो आज की वीडियो में हम क्या ड्रॉ वेल well, इससे पहले कि तुम कमेंट्स में लिखना शुरू करोजित चिंता मत करो क्योंकि आज की ड्रॉइंग के लिए तो चूज करने के लिए मुझे एक वेबसाइट मिली है आज हम उसका यूज करेंगे बेसिकली इसमें एक व्हील दे रखा है तो इस बटन पे क्लिक करने से ये व्हील स्पिन होगा और हमें एक रैंडम एनिमी का कैरेक्टर मिल जाएगा और हाँ मैं इस व्हील को एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार स्पिन करूंगा जिस भी कैरेक्टर का नेम ज्यादा बार रिपीट होगा हम लोग आज उसी को ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ट्राई सेकेंड ट्राई और थर्ड ट्राय तो आई थिंक हमें हमारा कैरेक्टर मिल चुका है जो कि है इताची उचिहा फ्रॉम नारू टो शिपुटिन क्यूँकी इताची का नाम लगातार दो बार रिपीट हुआ है तो हम उसी को ड्रॉ करेंगे और जिन लोगों को इताची के बारे में नहीं पता के कौन है और किस एने में से है तो ये कैरेक्टर नारू टो शिप पुडिन से है और ये बहुत ही बेड एस कैरेक्टर है मैं तुम्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में थोड़ा बहुत सो नारू टो एने के अंदर काफी सारे क्लैन है उन्हीं में से एक उचीहा क्लैन है जिस क्लैन से हमारा इताची बिलोंग करता है जिसने अपने ही क्लैन के एक एक मैप

time let's jump right into it सो so, हमारे पास हमारा कैरेक्टर है मेरी नोटबुक है और एक बॉल पेन भी है बिना बॉल पेन के कैसे ड्रॉ करूंगा अब बस कमी है एक रेफरेंस की क्योंकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो चाहिए ही कि कैसे ड्रॉ करना है इसको सो so, चलो रेफरेंस ढूंढते हैं और उसके लिए मैं ये वेबसाइट यूज कर रहा हूँ इंटरेस्ट सब इसी को यूज करते हैं तो हम भी इसी को यूज कर लेते हैं ए फ्यू मिनिट लेट सो बहुत देर देखने के बाद तो मुझे एक रेफरेंस मिली है जिसमे इताची है और उसका सुसानो भी है हाँ ये उसकी कम्पलीट फॉर्म नहीं है ये जब वो अपने सुसानो को समन

ड्रॉ करना है ज्यादा डार्क मत ड्रॉ कर देना अगर तुम पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो तो कोई बात नहीं है बट अगर मेरा पेन से ड्रॉ कर रहे हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत काफी दिक्कत हो सकती है है कैसे उसके बाद कैरेक्टर जिस साइड फेस कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है ठीक बिल्कुल सेंटर पे आई मीन जहाँ पे तुम उसकी नोज ड्रॉ करोगे ठीक उसी लाइन पे आफ्टर दैट तुम धीरे धीरे करके फेस को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना स्टार्ट करना आईस से क्योंकि उन्हें ड्रॉ करना बहुत सिंपल होता है तुम जाओ तो पहले ये सर ड्रॉ करके देख सकते हो की तुम्हें तो आईज पे प्लेस करनी है कैरेक्टर की देन उसके बाद तुम ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हो तुम चाहो तो कहीं कहीं पे शेड भी कर सकते हो और अब चलो सेकेंड आई को भी ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से एंड आई थिंक नाउ इट इज टाइम फॉर अ कम्युनिटी पोस्ट बिकॉज नॉट ऑडियंस भी तो जरूरी है पोस्ट डन और अब तुम्हारे रियक्शन का वेट करते हैं एंड भले ही मैंने आईज ही ड्रॉ करी थी अभी पर तुम में से ज्यादातर लोगों ने कैरेक्टर को गैस कर लिया आई थिंक नाउ आई नो इताची की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है चलो फिर ड्रॉ करते हैं सो so, अभी मैं इसका माउथ ड्रॉ करूंगा और फिर हेड बैंड के लिए गाइडलाइंस I mean, मुझे पोजिशन चेक करनी पड़ेगी की रफली ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया आइडिया लेने के लिए के को कैसे ड्रॉ करना है मेरे को और उसके बाद मैं इसके हेड बैंड को फिनिश करूंगा देन हम हेयर्स पे काम करना शुरू करते हैं तो हेयर्स को मैं धीरे धीरे करके ड्रॉ कर रहा हूँ और ये खराब हो गया तो मुझे इसको दोबारा

करना स्टार्ट कर रहा हूँ जो की बहुत सिंपल है क्यूँकी इसके पूरी क्लॉथिंग में मोस्टली इसके कॉलर से आ जाती है आई I मीन mean, जो भी इसने पहन रखा जाती है उसके आ जाते हैं बड़े बड़े तो इसको करना बहुत है I mean, okay. तो मुझे हैंड भी ड्रॉ करना है उसका एक तो उसको भी मैं सिंपल शेप्स का यूज करके ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि वो भी ऑब्वियसली उसकी बॉडी का पार्ट है एंड अभी तक तो ये काफी सही लग रहा है मेरे को तो अब हम इसको शेड करना स्टार्ट कर देते हैं उसके लिए मैं हैचिंग और स्मजिंग दो टेक्निक्स का यूज करता हूँ हमेशा इस वीडियो में मैंने बता रखा है कि मैं कैसे शेडिंग करता हूँ नहीं देखी हो तो देख लेना जा करके एक बार जस्ट अपनी फिंगर की हेल्प से धीरे-धीरे करके शेड कर रहा हूं मैं और हाँ कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे मुझे भी कई बार उसपे मल्टीपल टाइम्स स्मचिंग करनी पड़ती है तब जाके वो इतनी डार्क दिखती है तुम लोगों को आई मीन समाइम्स तो मेरी उंगली में भी दर्द हो जाता है पर अगर तुम्हें करना है तो तुम थोड़ा सा रेस्ट लेकर करना मेरी तरह इतनी जल्दी में कोई जरूरत नहीं है और ये शेड होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है और हाँ मैंने उसका एक हैंड भी ड्रॉ किया है गया। बर बर। तो मैं उसको बाद में फिनिश करूंगा फिलहाल के लिए ये ऐसा लग रहा है और अब हम इसका जो सुसानो है उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मुझे रेफरेंस तो मिल ही ये वाला रेफरेंस यूज करेंगे अपन तो सेम वही स्टेप्स मैं यूज करूंगा Lines. Then मैंने उसको एक बारा करके देखा कि कैसे कहाँ पे क्या चीज प्लेस होनी है और ये अभी मेरा पेज से बाहर जा रहा है which is, uh, okay, कुछ कर नहीं सकते उसमें चलो इसकी आउटलाइनिंग शुरू करते हैं फिर तो इसको ड्रॉ करना इतना हार्ड नहीं है क्योंकि तो मेरे पास एक स्केलेटन जैसा कुछ ड्रॉ करना है तो मैंने आउट लाइनिंग फिनिश कर फिन लिया है और ये कुछ ऐसा लग रहा है तो चलो इसको जल्दी से फिनिश करता है तो मैं इसको शेड कर रहा हूँ यूजिंग ओनली माई फिंगर्स और इसको शेड करना इतना ज्यादा कोई हार्ड नहीं है उसमें

लगे होंगे कम से कम क्योंकि इस बार मैं टाइम ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया था वर्ड का तो मैं अप्रोक्सिमेटली बता रहा हूँ तो अगर तुम टोटल टाइम देखो तो मुझे अराउंड पांच घंटे लग के इस ड्रॉइंग को फिनिश करने में विच इज ओके इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को तो अब मैं देखना चाहूंगा कि तुम में से कितने लोग इताची के ट्रू फैन है कॉमेंट्स में जाओ टाइप करो कि वो तुम्हें क्यों पसंद है और हाँ नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारे कुछ क्वेश्चन होंगे जो तुम कमेंट्स में लिखोगे मैं उन्हें भी कवर किया करूंगा मेरे वीडियो में सब नहीं एक या दो क्वेश्चंस तो अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स में टाइप कर देना एक्सेप्ट ग्लो आर्ट उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा उसके बारे में हम केवल उसी की वीडियो में बात करेंगे बाकी का तुम्हें तुम्हारा काम पता ही है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव